तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही, काफ़ी मतलब ऐसे एक दो हफ्ते हो गए हैं और शायद हो सकता है एक महीना भी हो गया हो। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे चल रहे थे एनुअल एग्ज़ाम। उससे पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था तो उसके लिए मैं गायब था, और उसके बाद आने के बाद एनुअल एग्ज़ाम चालू हो गए तो भाई पढ़ाई करनी पड़ी। बट अब मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है, आज हम लोग बात करने वाले हैं Hyundai की क्रेटा के बारे में। होंडा है कि Hyundai है, Hyundai है क्या है, Hyundai की क्रेटा के बारे में, जो कि ये नया मॉडल है Hyundai Creta 2020, जो कि 2020 में आने वाली है। इसके लॉन्च डेट और प्राइस स्पेक्स जो कुछ भी है सब मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से ना। और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दूँ नीचे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जाके, और लाइक करना मत भूलना। आपका ज़्यादा से बना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कार की जो लुक्स निकल के आती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं कि आखिर ये Hyundai की जो क्रेटा 2020 है वो कैसी दिखती है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो ये है कि इसमें अभी हम लोग को सिर्फ एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, तो उसमें हिसाब से हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल इसमें बताया जा रहा है, जो कि आपको पेट्रोल में मिलेगा। पर वो क्या नाम होगा उसके बारे में अभी नहीं पता, पर फिलहाल जो एक मॉडल जो मैं बताया जा रहा है जो कि पेट्रोल वर्जन होगा, तो उसमें जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इंजन का वो होगा 1499 का। उसके बाद इसमें जो आपको मैक्स पावर देखने को मिलेगी इसकी इंजन की वो होगी 113.4 bhp की, और उसके बाद जो इसमें मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा वो है 144 Nm का। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स में 4 है, वॉल्व पर सिलेंडर भी 4 है। और इसमें जो आपको ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिलेगा वो है मैनुअल, हो सकता है जब लॉन्च हो तो इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी सपोर्ट देखने को मिले, पर फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ है वो ये है कि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। फ्यूल टाइप मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेट्रोल में आती है। उसके बाद हम लोग बता देता हूँ इसमें आपको इसकी जो लेंथ है वो mm में मैं आपको बता देता हूँ वो है 4300। बॉडी टाइप मैं बता दूँ आपको, ये SUV टाइप में आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं निकल के आई है होंडा क्रेटा 2020 के बारे में, कुछ ये इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल निकल के आई है। और इसके लॉन्च के बारे में आपको बता दूँ तो ये इसका जो लॉन्च प्राइस है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसका जो लॉन्च प्राइस बताया जा रहा है वो है 10 lakh rupees, तो काफ़ी अफोर्डेबल आपको होने वाली है। आप 10 lakh के अंदर आप एक SUV अब अफोर्ड कर पाएंगे जो होंडा की तरफ से आएगी क्रेटा 2020। और इसकी जो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको कब तक ये आपको देखने को मिल सकती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ जल्दी से, तो ये आपको 17 मार्च आप में देखने को मिल सकती है, मतलब 17 मार्च को ये मार्केट में आ जानी चाहिए, या 17 मार्च को ये लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। नहीं आएगी 17 मार्च को इसका बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है ये 17 मार्च 2020। और कहा जा रहा है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो हो सकती है वो है 10 lakh। और इसके जो लुक्स मुझे देखने को मिले वो सब मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ साथ ही साथ, ये आपको सेकंड जनरेशन होंडा क्रेटा आपको देखने को मिल रही है, ये सेकंड जनरेशन है। और कहा यह जा रहा है कि आपको कुछ वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी 2020 जो क्रेटा है वो आपको, जो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो पहला वेरिएंट है वो है ई, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है EX, और फिर आपको जो वेरिएंट मिलेगा वो है SSX और SXO। तो ये कुछ आपको 5 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे होंडा क्रेटा 2020 में। और इसमें जो इंजन काम में लिया गया वो है BS6 इंजन, जो कि किया सेल्टोस से लिया गया है। और इसमें जो आपको बताया जा रहा है 1.4 लीटर का पेट्रोल वाला वेरिएंट मिलेगा और 1.5 लीटर का डीजल वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपको भी इसमें एक वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल इंजन में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको अवेलेबल है। और कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता दूँ, मतलब कार काफ़ी कमाल की, जैसे आपने लुक्स देखा तो उसी तरह के कमाल के इसमें आपको फीचर भी देखने को मिलेंगे। और वो जो फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको LED आपको हेडलैम्प मिल जाएगी, टेल लैम्प आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिलेगा, मस्त ऐसे धूप में जाते हुए आप धूप की जो रोशनी वो अंदर खींच सकते हो कार के एकदम बढ़िया से। और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन है तो
चार्जर वार्जर केबल वेबल रखने की कोई जरूरत नहीं, वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी पूरी कार के अंदर। उसमें आपको पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको देखने को मिलेगी एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट आपको देखने को मिलेगी। उसमें 7 inches की आपको ड्राइवर डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर हो सकता है वो सब जितने भी फंक्शन जो कार के होते हैं वो आपको दिखाई दे। और साथ ही साथ इसमें आपको 10 inches की टच स्क्रीन आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आप मस्त गाने वाने बजा सकते हो। जो बाकी फीचर्स आप जो बीच में रहती है कार में वो आपको टच स्क्रीन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इतनी कमाल की बात है और इतना पावरफुल आपको कार में इंजन देखने को मिल रहा है तो आप इसे भगाना जरूर चाहोगे। तो इसके साथ आती है हमारे सामने सेफ्टी। तो सेफ्टी के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएगा, ABS सिस्टम मिल जाएगा, EBD सिस्टम मिल जाएगा, रियर एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएगा और 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। जैसे कि पता है ये कोई सेडान नहीं, ये एक SUV है। तो अगर आप लेना चाहते हो, कोई SUV लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इसकी तरफ भी एक बार ध्यान दे सकते हो, जो कि ये 17 मार्च को ये लॉन्च की जा रही है मार्केट में, तो उसके बाद ही आएगी। पर फिलहाल तो 17 मार्च को हमें सारी स्पेसिफिकेशन और सारे जो करेक्ट प्राइस जो पता चल जाएगा। अभी के लिए जो एक्सपेक्टेड प्राइस जो बताया जा रहा है वो है 10 lakh rupees। और बताया जा रहा है इसका जो कंपटीशन है वो मतलब ये करीबन टक्कर दे रही है टाटा हैरियर को और MG हेक्टर को, आराम से टक्कर मतलब कि ये टाटा हैरियर और MG हेक्टर को आराम से टक्कर दे रही है। तो इसका जो ये जो कॉम्पिटिशन है वो है टाटा हैरियर और MG हेक्टर से इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो Hyundai Creta 2020 के बारे में निकल के आई थी और मैंने आपको बता दी। जो लुक्स मेरे सामने निकल के आए थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो मैं बस यही होप करता हूँ कि आपको ये जो कार आने वाली है 17 मार्च को वो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। बट मैंने लेने की कोई प्लानिंग नहीं है, पर अगर आपकी लेने की प्लानिंग है तो आप इसके तरफ एक बार देख सकते हो। प्राइस और स्पेसिफिकेशन जो मेरे सामने आई निकल के जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आपको सब बता डाली है। और अब आप एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से जाकर कर दो इस वीडियो को लाइक, क्योंकि लाइक करना ज़रूरी है। लाइक करके दिखाओ अपना सपोर्ट और प्लीज यार दिखाओ अपना सपोर्ट, और हो सके तो अपने दोस्तों शेयर करो इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, नीचे एक रेड कलर का बटन है जाके कर लो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से, ताकि आप आगे आने वाले हमारे वीडियो सबसे पहले देख सको। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। आप लोग के लिए बहुत जल्द आऊंगा, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।